हम सब आनंद और उत्साह के साथ प्रार्थना करें और बोले, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तू मार्ग सत्य और जीवन है, तू अपने शक्ति से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से अनंत जीवन की ओर ले चल, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तूने अपने क्रूस के मृत्यु द्वारा शाप के चिन्ह को महिमा का चिन्ह बनाया, यह कृपा दे कि हम अपने शरीर की बुरी वासनाओं को क्रूस पर चढ़ाए और आत्मसमर्पण में अनंत जीवन पाए, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तू भला गडेरिया है, ऐसी कृपा दे कि हमारे अधिकारी लोग अपने अधिक के लोगों को तेरे पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँचाए, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तू गरीब और नम्र बना, हमारा नम्र निवेदन है कि गरीबी और बीमारी से पीड़ित लोगों को और सत्य के प्रति दुख भोगने वाले लोगों को तू अपने महत्वपूर्ण पुनरुत्थान का स्मरण दिलाकर उन्हें अपनी जिंदगी की दौड़ पूरी करने में और विश्वास को सुरक्षित रखने में मदद कर, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तू परमेश्वर के सामने हमारे लिए सनातन समर्पण है, ऐसी कृपा दे कि हम तेरे पवित्र बलिदान में भक्तिभाव से सहभागी होवे और पुनरुक्ति जीवन के दिव्य रहस्यों को हम योग्यतापूर्वक स्वीकार करें, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों पर समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु मसीह, तू मृत्यु पर विजय पाकर कलीसिया में हमेशा विराजमान है और उसे अपने नवजीवन में संपन्न कर, यह कृपा दे कि हम तेरे पुनरुत्थान और बलि जीवन के सहभागी होवे। तेरी शांति और समाधान हमारे समूह परिवार और सारी मनोजाति में निरंतर निवास कर सके, ये सबके प्रभु सदा और सर्वदा। आमीन। मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। हे प्रभु मसीह, तू मृतकों में से सबसे पहले पुनरुत्थित होकर हमारे लिए पहलौठा बन गया, तेरा पुनरुत्थान हमारे लिए जीवन और महत्व प्रदान करता है। तेरी प्रियतम कलीसिया अलंकृत वधु के समान और संतों के साथ उल्लसित माता के समान तेरे पुनरुत्थान में आनंद मनाती है। हमें इस योग्य बना दे कि हम तेरे मरण और पुनरुत्थान में आनंद मनाएं और उनकी स्मृति के दिव्य रसियों में भक्ति भाव से सहभागी बने।
हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का इकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पहलौठा है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं। वह सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुंवारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सत्य का आत्मा है जो पिता से प्रसूत होता है और जीवन दाता है। एक ही पवित्र प्रेरित और सावित्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका प्रभु ईश्वर अपने सिद्धान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। अब निमृत अपराध श्रेष्ठ महाधर्माधीक्षों तथा धर्माधीक्षों याचिकों तथा उपयाचिकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज में अनंत जीवन प्रदान करे। प्रार्थना के लिए भगवान मेरे हाथों द्वारा
सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए एक जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं उससे भग प्रसन्न होकर स्वीकारे। हमारे ईश्वर तेरे प्रभु कृपा दान के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पाप भी अवरहने पर भी सुने कृपा पूर्व ने अपने मसीह के शरीर सबक बनाया हमें ऐसी शक्ति देखी हम परिपूर्ण प्रेम सत्य विश्वास तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता आराधना समर्पित करते हैं आप सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को और आपको भी। भाइयों और बहनों मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाएं। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों पर लगाएं, मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। मसीह का कृपा वरदान धर्म पिता का प्रेम महान दिव्यात्मा की सहचरिता साथ हमारे रहे सदा। ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे महिमा में तृत्व कर सबके स्तुति के योगी है, सभी जीवों की कृतज्ञता की योगी है, सभी सृष्टियों की वंदन प्रशंसा की योगी है। तूने अपने कृपा से जगत हर्ष निवासियों को रत्न नश्वर मानव पर निपकार किया है। हे प्रभु सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देव को तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवनेश्वर की सेनाए तेरे पवन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र के रूपी तथा दिव्य श्राव से मिलकर तेरे प्रभु की उपासना करते हैं। वे उन जैसे सिंध ने सिद्ध गान करते हैं और दूसरे से पुकार पुकार कर गाते हैं। प्रभु जय जय का
प्रभु ईश्वर इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मा है, उसकी हम उपासना करते हैं। वह तेरे सादृश्य, तेरी दीप्ति और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक बुद्धि और अमरता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपना कर पूर्ण मानव बना, स्त्री से जन्मा और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए नियम के अधीन रहा। उसने हमारे मुक्ति के स्मारक के रूप में यह रहस्य में प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेश अनुसार हम उसके भोग उसके दुखों की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को सौंपा गया उस रात को उसने अपने पान हाथों में रोटी ली। स्वर्ग की ओर हे पूज्य पिता, तेरे रंगी उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों के क्षमा के लिए बांटा जा रहा है, ले लो और उसमें से तुम सब खाओ। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद श्री भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, एक नवीन विधान का मेरा रक्त है जो विधतों के पापों की क्षमा के लिए बहाई जा रहा है, ले लो और उसमें से तुम सब पियो। आज तुम मेरे नाम पे हो तू जाओ, तुम सिया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेश अनुसार हम भी तेरे दुर्बल दिन इन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए संभव है। तेरे ईश्वर जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपादानों तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता आराधना समर्पित करते हैं, आप सदा और सर्वदा। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगद्गुरु समस्त कलीसिया के परमाध्यक्ष रोम के संभुज पापा फ्रांसिस के लिए, हमारे कलीसिया के पिता और मुखिया मेजर आर्च बिशप राफेल पटेल के लिए, हमारे महाधर्माध्यक्ष लियास के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष प्रेम के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याचकों समर्पितों एवं लोक धर्मी प्रेरितों के लिए, शासक अधिकारियों के लिए, सब नबियों प्रेरितों शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल दरिद्र और दलित रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिदारे सब मृतकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए, यहाँ आए हुए सभी लोगों के लिए आपकी आशीष और कृपा हमेशा हमारे दिलों में बरसाते रहने के लिए, और हमारे लिए भी जो दुर्बल और योग्य है यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, तेरी शिक्षा अनुसार हम इस शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरण उत्सव में तेरी असीम वरणी में अवरणीय कृपा से ईश माता कुमारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे,
हमें जीवन भर अपनी सुख शांति प्रदान कर। सभी भूवासी और जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माधीक्षों, याचकों और उपयाचकों की तथा पावन स्नान संस्कार के जीवंत और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग में सिखलाया। हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के महान गंभीर पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरण सो आनंद पूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। वह तेरे भक्तों पिबले पिबराजे अवर से अनुग्रह पवित्र करे। हे प्रभु, उसके द्वारा अपराधों के माफी पाम के क्षमा निधान के दृढ़ आशा आज स्वर्गराज में तेरे जन्म के साथ ना जीवन मिल जाए। इस महान स्थान के प्रति आम देहरा निरंतर सुधिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल से पुत्र इच्छा में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। तेरी और आंखें उठाई तेरी और जो स्वर्ग में विराजमान है। जिस तरह दासों की आंखें स्वामी पर टिकी रहती है और दासी की आंखें स्वामिनी पर। प्रभु, तेरे आशीर्वाद प्राप्त हो तेरी उद्धार कृपा हमें महिमा में जीवन दाई आदि विरगस्वम के स्वभुंजा देती है। यथपि हम योग्य है यथपि सच्च काम योग्य है। ऐसा मसीह तेरे नाम की जय हो। हे प्रभु, तेरी सदा आराधना हो। हे जीवनदा जीवनदा रोटी सुखसराई है और समस्त जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। कृपा
पिता परमेश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हुआ आप सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रहस्य के समीप जाएं, पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़ कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतकरण को मन मुटाव और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने आत्माओं को क्रोध और भय से मुक्त करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाए। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में एकता मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु यह रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का तथा आत्मा की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर हम इसे बना दे कि हम निर्दोषों को प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रख सके और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम समृत चुपकारे हर प्रकार कहे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध ना पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सदा सर्वदा राज तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु शक्तिमान ईश्वर हमारे दयाल पिता हम तेरे कृपा के लिए सेवने करते हैं। हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु दुष्ट साथियों से बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज तेरा है, शक्ति तेरी है, हाँ प्रभु तेरा है आप सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को और आपको भी प्रभु गौत्र लोगों के लिए एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवंतेश्वर का स्तुति गान करिए। हे प्रभु तूने अपने पुनरुत्थान द्वारा मृत्यु पर विजय पाई, शैतान को पराजित किया और सारी सृष्टियों को नवजीवन दिया। तूने हमारे परिपोषण के लिए अपना शरीर रक्त भोजन के रूप में दिया। तेरी करुणा के योग्य कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हमारी जीभ अशक्त है।